हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने व्हीकल वर्ल्ड हिंदी चैनल पर, जहां पर ट्रक से जुड़ी नई नई जानकारी हम आपको सही समय पर बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं अशोक लीलैंड 5525 वीएस टाटा सिग्ना 5530 टेलर को। इन दोनों में क्या कॉमन है और इनमें क्या अलग है जो एक दूसरे को बेहतर बनाता है? दोस्तों, क्या वजह है ड्राइवर टाटा सिग्ना नहीं चलाना चाहते? लीलैंड का घोड़ा ही क्यों चलाना पसंद कर रहे हैं? कुछ तो खास है अशोक लीलैंड ट्रक में। और गाड़ी मालिक भी टाटा की गाड़ियां नहीं खरीद रहे, अशोक लीलैंड का घोड़ा ही क्यों खरीद रहे हैं? चलो अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला रीजन तो है टाटा के मुकाबले में अशोक लीलैंड का माइलेज बहुत बढ़िया है और अशोक लीलैंड 5525 का मेंटेनेंस भी कम है टाटा के मुकाबले में। दोस्तों, हम बात करें हॉर्स पावर की, टाटा सिग्ना 5530 जो आता है वो 300 हॉर्स पावर में आता है और अशोक लीलैंड 5525 जो आता है वो 250 हॉर्स पावर में आता है। टाटा 5530 में 6 सिलेंडर BS6 का इंजन दिया गया है और अशोक लीलैंड में 4 सिलेंडर BS6 का इंजन दिया गया है। स्पीड गियर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 9 स्पीड गियर एक रिवर्स के साथ आता है। और ड्राइवर की बात करें तो क्यों बनती जा रही है ड्राइवरों की पहली पसंद अशोक लीलैंड 5525? एक तो ये इस गाड़ी का इंजन अंदर से हिट नहीं होता। हिट क्यों नहीं होता? दोस्तों, लीलैंड ने इस पर काफी बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो BS3 गाड़ियां थी अशोक लीलैंड की, वो अंदर से इंजन की हिट बहुत आती थी और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी और ड्राइवर को बहुत इससे तकलीफ होती थी। गर्मी में ड्राइवर को करने जाता केबिन में। दोस्तों, लीलैंड कंपनी ने इसमें बहुत ध्यान दिया है। इसके केबिन में बहुत हैवी मटेरियल लगाया गया है। केबिन में अंदर की तरफ और इंजन के ऊपर भी खास तरह का मटेरियल लगाया गया है, जिससे इंजन की हीट केबिन तक नहीं पहुंच पाती। और दूसरी बात, ड्राइवर को जो सबसे ज्यादा आराम देती है इस गाड़ी का केबिन। दोस्तों, टाटा 5530 का जो केबिन है वो बहुत कूदता है और बहुत ज्यादा हिलता है, जिससे ड्राइवर 2-3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में उसे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। और अशोक लीलैंड का जो केबिन दिया गया है दोस्तों, ये ऐसे चलता है जैसे कि 14 टेरी गाड़ी चलती है। बिल्कुल भी इनका केबिन नहीं हिलता, इसमें ड्राइवर 8 घंटे भी गाड़ी चलाने के बाद सुकून से बैठा रहता है। दोस्तों, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, टाटा या लीलैंड? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। जैसे ही अपना नया वीडियो लेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।